सत्ता के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट आपको तो मैं बोला नहीं धर्म पर चार सुप्रीम कोर्ट के कानून को हम राम के विषय में कृष्ण बारे में शुभ बारे में नहीं मानेंगे। तो देश का कानून का फैसला करता है जो समान गृहस्थ है, जो यहाँ का नागरिक उसका फैसला करे। भगवान श्री राम के फैसले को हम नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तारीख के बाद सुप्रीम कोर्ट सब चाहते ऐसे राजन खराब है। बताइए एक आदमी की मन बात हो राम मस्जिद तो खराब होगा, जब पूरा देश 132-135 करोड़ लोग चाहते हैं तो कैसे राजन खराब होगा। आप सब धर्मांतरित है, उसका गवाह उनका शरीर का चमड़ा उनका स्किन है और वो उनके भी फोर फादर उनके भी हमारे देवी देवता थे। भगवान राम ही उनके उनके मान उनके इष्ट देव थे। तो अपने तो उसका कारण ऐसा है कि मुसलमानों का आज भी गल्फ कंट्री में उनको हिंदू मुसलमान कहते गलत। भारत वर्ष का मुसलमान भगवान श्री राम के साथ है पीछे और यही इसी बात की आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि पूरे देश के संत अयोध्या में, मुझे उम्मीद है 1 लाख संत पहली तारीख को अयोध्या में आएगा और भारत वर्ष के कम से कम 20,000 संत अयोध्या आ रहे हैं और राम अयोध्या का अश्वमेध यज्ञ समाप्त होने के बाद राम मंदिर के निर्माण शुरू हो जाएगा। पूरी मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही मोदी जी स्वयं राम मंदिर निर्माण शुरू करेंगे। अगर हम मोदी जी नहीं करेंगे या कोई अयोध्यागी हम सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, भगवान मेरा श्री राम सुप्रीम कोर्ट में नहीं रहेगा। अगर दुनिया का खुदा लाला कोर्ट में नहीं जाता, जेजा तो मदद मेरी नहीं कोर्ट में है तो मेरा भगवान श्री राम कैसे कोर्ट में जाएगा। राम के मंदिर के निर्माण हिंदू शुरू करेगा, भारत वर्ष का हिंदू भारत वर्ष के संत उसकी अगुवाई करेंगे और राम मंदिर के निर्माण 6 तारीख के बाद शुरू हो जाएगा। दिसंबर जी 2-3-4-5-6 को पूर्ण आवृत्ति होगी। मंत्र का घोड़ा छोड़ेंगे, घोड़ा छोड़ देने से तो घोड़ा जो जेब में पकड़ लेंगे, घोड़ा नहीं छोड़ना है। मंत्र के भगवान विष्णु के मंत्र का हम उनका घोड़ा छोड़ेंगे, उनके जो मंत्र का जिसमें 1100 ब्राह्मण वैदिक ब्राह्मण मंत्रोच्चार करेंगे, उनके मंत्रों का भगवान विष्णु मंत्रों का जो दुष्ट है जो विवेकधर्मी है उनके दिमाग में कितना बड़ा असर पड़ता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अश्वमेध यज्ञ सफल होगा और सब सब हाथ उठा करके भगवान श्री राम समर्थन करेंगे। स्वामी जी अभी आपने कहा कि अभी कि आज जितनी जागृति जनता के मन में है, चाहे हिंदू पत्रकार हो, चाहे नेता हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु संत हो, आज ऐसा कोई हिंदू मुझे नजर नहीं आ रहा है कि जो ये ना कहता हो कि राम मंदिर बनाना चाहते, बल्कि लोग विरोध कर रहे हैं। जो आम गृहस्थ है, जो आम जनता है, वो कहती है कि अगर मंदिर नहीं बनाएंगे, संत भी कहते हैं अगर मंदिर का निर्माण नहीं होगा हम बीजेपी का विरोध करेंगे, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं जहां 132 करोड़ जनता जय जयकार कर रही है, मुझे सिर्फ यहां इच्छा शक्ति की जरूरत है। इच्छा शक्ति दिखाई जाएगी मंदिर तुरंत खराब हो जाएगा। स्वामी जी को